हो रहा है इसराइल में और आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकल रही है भारत में। आप जरा सोचिए, हमास के आतंकवादियों के समर्थन में भारत में रैली निकल रही है, जिन हमास के आतंकवादियों ने इसराइल के बच्चों को किडनैप किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, सीधे सीधे गला काटा है, एक एक उनका टुकड़ा काटा है, छोटे छोटे बच्चों को पिंजरे में किडनैप करके रखा हुआ है, उन आतंकवादियों के समर्थन में भारत में रैली निकल रही है। ये जो रैली में हैं आपको दिख रहे हैं ना, ये आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होती है आतंकी सोच। ये कल के आतंकी ही हैं जो रैली में घूम रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं आतंकवादियों का लोग जो समर्थन करते हैं भारत में, उनको भी आप आतंकवादी मानिए। और मैं सरकारों से निवेदन करता हूं, ऐसे आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ NSA लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, UAPA लगाइए, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड का, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, इनके घर पे बुलडोजर चलाइए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। इन ये जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं इकट्ठे होके, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। और ये तो हुआ आतंकवादियों के जो सोच है उसको रोकने वाली बात, लेकिन आतंकी सोच आ कहां से रही है? आतंकी सोच इसलिए आ रही है भारत में क्योंकि यहां आक्रांताओं के नाम पे, आतंकवादियों पे नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। जो कुछ आज हम देख रहे हैं इसराइल में, इससे ज्यादा खतरनाक भारत में हो चुका है। हमारी माताओं बहनों ने इसलिए जौहर कर लिया था, वो आतंकवादियों के हाथ में नहीं आना चाहती थी, इसलिए जब भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के सैनिक उनको पकड़ने जाते थे वो आग लगा लेती थी, औरंगजेब के सैनिक जाते थे तो आग लगा लेती थी। सिख पंथ किस लिए बना था? गुरुओं को किस तरीके से विभत तरीके से काटा गया था? यह शीशगंज गुरुद्वारा किस लिए बना हुआ है? इसके बावजूद आज भी भारत में आतंकी सोच खत्म नहीं हुई है। हमने कुछ नहीं सीखा, हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। हम उस गजनी, गोरी, तुगलक, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब के नाम पे भारत में सड़क बना के रखे हैं, मोहल्ले बना के रखे हैं, गलियां बना के रखे हैं, जो हमास के भी आतंकवादियों से ज्यादा क्रूर थे, जो आईएसआईएस के आतंकवादियों से ज्यादा वहशी दरिंदे थे, उनके नाम पे हमने भारत में सड़क मोहल्ले गलियां बना रखा है, आज तक उनको खत्म नहीं किया। और जब हम खत्म करने की बात करते हैं कि गुलामी के नाम हटाइए तो लोग कहते हैं तो कम्युनलिटी है। गुलामों का समर्थन करना, आतंकवादियों का, वहशी दरिंदों का समर्थन करना, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी का समर्थन करना भारत में सेकुलरिज्म कहलाता है। खत्म करिए इसको, गुलामी का नाम हटाइए, गुलामी का निशान हटाइए, गुलामी की भाषा हटाइए, गुलामी की परंपरा हटाइए, गुलामी के रीति रिवाज को कंप्लीटली बैन करिए, नफरत सिखाने वाली किताबों को कंप्लीटली बैन करिए। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाए उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछिए कि उसको आतंकी सोच आई कहां से, वो अपने आप बता देगा कि मदरसे में पढ़ता था और ये किताब पढ़ता था, सीधे सीधे बताएगा। पूरी दुनिया में जहां भी मदरसा है वहां शांति नहीं है, जहां मदरसा है वहां अशांति है, जहां मदरसा है वहां बदहाली है, जहां मदरसा है वहां बम विस्फोट हो रहा है। भारत में मदरसे की कोई जरूरत नहीं। समान शिक्षा लागू करिए, 10वीं तक यानी 16 साल तक सभी भारतीयों के लिए वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। न कोई विदेशी किताब पढ़ेगा, न कोई विदेशी भाषा में बोलेगा, न कोई विदेशी रीति रिवाज अपनाएगा, न कोई विदेशी परंपरा अपनाएगा, सब कुछ भारतीय उसको करिए, मैंडेटरी करिए। कुछ नहीं विदेशी कर सकता, चीन ने किया है, इसलिए चीन में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। भारत में झूठा पाखंड चल रहा है ह्यूमन राइट का, इसलिए भारत में आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकल रही है। ये जितने पर्सनल लॉ है खत्म करिए, देश में वन नेशन वन सिविल कोड लागू करिए, एक नागरिक संहिता लागू करिए जो सबके लिए हो, एक शिक्षा संहिता लागू करिए जो सबके लिए हो, एक दंड संहिता लागू करिए जो सबके लिए हो, एक पुलिस संहिता लागू करिए जो पूरे देश में एक जैसी हो, एक न्यायिक संहिता लागू करिए जो सबके लिए, सारे दुनिया के, पूरे भारत के जज एक तरीके से फैसला देना शुरू करें। अभी भी जज मन मर्जी, अपने मन चाहे, अपने विचारों के हिसाब से फैसला देते हैं, कानून घटिया है। आज भी हमारे तहसीलों में जो काम होता है उर्दू फारसी में होता है, आज भी जिलों की जो जिला के अदालतें हैं वहाँ उर्दू फारसी के शब्द यूज़ होते। क्यों? भारत इतना सक्षम नहीं है कि हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को अपनी स्वदेशी बना सके, भारतीय व्यवस्था कर सके। 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी आ चुके हैं भारत में, अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों पे NSA लगाइए, UAPA लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए।
घुसपैठियों को यहां से निकलने के लिए कह दीजिए, टाइम 3 महीने का टाइम दीजिए, भाई सारे लोग जो भारत में घुसपैठी हैं ये निकल जाएं, नहीं तो ये घुसपैठिए एक दिन, जैसे आज इसराइल जल रहा है, अभी कुछ दिन पहले फ्रांस जल रहा था, ऐसे ही पूरा भारत जलेगा। 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं भारत में, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच चुके हैं। भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां साम नाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं हो रहा। धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित करिए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनसीए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए और देशद्रोह की धारा लगाइए, तब रुकेगा धर्मांतरण। प्लांड वे में जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, आज भी 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि भारत की डेमोग्राफी बदलना है। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, 300 तहसीलों में हिंदू खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, 300 तहसीलों से पलायन कर रहे हैं, 200 जिलों से हिंदू पलायन कर रहे हैं, 300 तहसीलों से पलायन कर रहे हैं। ये तूतू मैमे करने से नहीं रुकेगा। तूतू मैमे करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, लच्छेदार भाषण देने से भारत की संस्कृति नहीं बचेगी, भारत की परंपरा नहीं बचेगी, सनातन धर्म नहीं बचेगा। सनातन धर्म को अगर बचाना है तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून, घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कानून, एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। सारे जिहादियों और मिशनरियों को विदेशी फंडिंग हो रही है, या तो हवाला के जरिए हो रही है या तो एफसीआरए के जरिए हो रही है। जो हवाला में पकड़ा जाए उसको फांसी दीजिए, एफसीआरए कंप्लीट बंद करिए, खत्म करिए, तब जाके भारत में जो देश विरोधी लोग हैं ये कमजोर पड़ेंगे। नहीं तो उनको इतनी फंडिंग आती है, उनके लिए 25-25 लाख रुपए हर हियरिंग के पे वकील खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। धर्मांतरण की मेरी पीआईएल के खिलाफ 10 पिटीशन आई है, सारे दिग्गज वकील खड़े हो गए हैं, कहाँ से आ रही इतनी फंडिंग? जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए बहुत सारे सीनियर वकील खड़े हो गए, घुसपैठियों की मेरी पीआईएल रोकने के लिए बहुत सारे सीनियर वकील खड़े हो गए, और बड़े प्लांड वे में कानून बनाया गया भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करिए तत्काल, ये वक्फ पैट को खत्म करिए, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करिए, ये जो 1985 में राजीव गांधी ने कानून बना के सारे सेक्शन 6A जोड़ दिया था सिटीजनशिप एक्ट में, जिसके कारण असम में रहने वाले सारे बांग्लादेशी एक तरीके से वैध हो गए। 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बनाने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6A जोड़ा था, उस सेक्शन 6A को खत्म करिए। जो राहुल गांधी ने फैसला पलटा था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो कानून बनाया था उस कानून को खत्म करिए। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए थे देश के खिलाफ, जैसे राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया सिटीजनशिप एक्ट में घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए, 1986 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा साहबानों केस का, वो कानून आज भी चल रहा है। नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, वह कानून आज भी चल रहा है। नरसिम्हा राव ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया समुदाय विशेष को विशेष फायदा देने के लिए, और हिंदुओं को हिंदू जैन बौद्ध सिख को आपस में बांटने के लिए कानून आज भी चल रहा है। नरसिम्हा राव ने 1995 में वक्फ पैक्ट बना दिया, जिसके कारण आज की डेट में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसे ही मनमोहन सिंह ने 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसों को बाहर निकाल दिया, आज मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन टीचर है, कौन नहीं है, ना उनके ऊपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिस्टम लागू होता है, ना उनका कोई सिलेबस है, ना उनका ऑडिट का सिस्टम है। ऐसे जिहाद खत्म नहीं होगा, ऐसे आतंकवाद खत्म नहीं होगा, ऐसे आतंकी सोच खत्म नहीं होगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अलर्ट है कि हमास के समर्थन में भारत में लोग रैली निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने का एक ही तरीका है, कांग्रेस के बनाए कानूनों को खत्म किया जाए, राजीव गांधी द्वारा बनाए गए घटिया कानूनों को खत्म किया जाए, मनमोहन सिंह द्वारा बनाए गए घटिया कानून को खत्म किया जाए, नरसिम्हा राव द्वारा बनाए गए घटिया कानूनों को खत्म किया जाए, विदेशी नाम मिटाया जाए, विदेशी निशान मिटाया जाए, विदेशी परंपरा मिटाई जाए, विदेशी भाषा पर बैन लगाया जाए, विदेशी संस्कृति पर बैन लगाया जाए, और समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, समान धर्मस्थल संहिता लागू किया जाए, और सबसे बड़ा समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, जो आदमी भारत के परंपरा के खिलाफ जाए उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए। यही एक तरीका है, नहीं तो तूतू मैमे नूरा कुश्ती होती रहेगी और कोई भी समस्या कम नहीं होगी।